हाय सर। कुछ ऐसे भी दिन हैं जो मेरे जिंदगी का बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है और वो है आज के दिन। तो इसीलिए मैं तैयारी में लग गई। तो पहले सोचा मैं शैम्पू करूँ, तो उससे पहले मैं अपना हेयर का भी थोड़ा केयर कर ही लेती हूँ। तो मैं मिनिमलाइज्ड का ये हेयर बॉन्ड सीरम लगा रही हूँ। इसको जस्ट 1 घंटा रखना है एंड उसके बाद शैम्पू कर लेना है। तो मैंने सोचा आज मैं ऑयल नहीं लगाऊँ, आज मैं इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि हेयर में वैसे ही तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि मेरा हेयर वैसे ही कलर किया हुआ है एंड कभी कभी हीट भी मैं थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ। और ये ना मैं कुछ रिव्यू नहीं दे पाऊँगी, जस्ट मैंने 2 टाइम ही यूज़ किया है और ये है 3 टाइम यूज़ किया हुआ। तो मैं कुछ ना अच्छा बोलूँगी ना कुछ बुरा, बस ठीक है। अब पूरा बॉटल जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। हेयर फॉल मेरा बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैं कुछ लगा रही हूँ होम रेमेडीज़, और जल्दी उसका रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। इसको 1 घंटे के रखने के बाद अब मैं शैम्पू कर लूँगी। तो अभी मैं बी ब्लंड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू उतना कुछ खास नहीं है, वाव टाइप तो कुछ है नहीं, बट ठीक ठाक ही है। तो एक बॉटल में ख़त्म करने के बाद सेकेंड टाइम में भी मैं परचेस ना करूं। और मैं डाब का ये स्क्रबर यूज़ करती हूं कभी कभी, क्योंकि होम रेमेडीज स्क्रब ही ज़्यादा यूज़ करती हूं। जब मुझे जल्दी कहीं जाना होता है, टाइम नहीं होता है, तभी मैं यूज़ करती हूं, क्योंकि होम रेमेडीज स्क्रब में आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, ये तो झटपट से हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सेविंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर थोड़ा सा ग्रो भी हो गया है तो अच्छे से। पर मैं पता है ना, हर टाइम कुछ ना कुछ तो कट मैं कर ही देती हूँ। आज मैं आराम आराम से थोड़ा कर रही हूँ, उसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ। अब मैं रेडी हो गई हूँ और टाइसन रेडी होते ही नीचे भागा। उसको इतना डेस्परेटली बाहर जाना होता है, क्योंकि उसको अगर अपना बेल्ट देख लेता है तो हमेशा डेस्परेट हो जाता है। सो या जींस टॉप मम्मी चलो चलते हैं। और घर से बाहर निकलते ही कितना ज़्यादा बारिश होने लगी है। आज ही होना था यार, बट बहुत मेरे को ना बहुत अच्छा भी लगता है, बट बारिश के वजह से ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है अगर आप अपने पेट के साथ कहीं जा रहे हो। गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं पेट कैफे, क्योंकि आज मेरा टाइसन बाबू का बर्थडे है। यस गाइस, मेरा टाइसन बाबू का 4th बर्थडे है। 4 साल का हो चुका है मेरा बाबू। हैप्पी बर्थडे टाइसन। और टाइसन को पहले से ही पता चल गया था, वो इतना ज़्यादा खुश है, उसको पहले से ही सब कुछ पता चल ही जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश था तो कुछ लेके नहीं आ पाई थी, खुश मैंने केक टोपी बैलून बहुत सारे चीज़ सोचे थे, क्योंकि लेके नहीं आ पाई, बहुत बारिश था इसलिए कैसे उतारूं। और टॉम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, पर ठीक हो जाएगा, 1-1.5 घंटा में वो भी कंफर्टेबल हो ही जाएगा। सो यहाँ का जो कैफ़े है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेट फ्रेंडली है। आपको हर एक सर्विस जो आपका पेट के लिए चाहिए वो मिल जाता है। और टाइसन बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्योंकि पहले भी वो आ चुका है ना, तो उसको हर एक चीज़ पता है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड कुछ भी नहीं भूलता है, उसको सब कुछ पता होता है। एंड यहाँ का जो वेटर जो भैया लोग है वो टाइसन को पहचानता भी है। एंड मैं थोड़ा सा देख रही थी बाहर का व्यू, तो कुछ वैसे दिख नहीं रहा था, मैं खुद ही को शूट कर लिया। और ये रहा, उन लोगों ने केक देकर गया है, क्योंकि यही केक अवेलेबल था, तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। और ये देखो ये कहाँ पे छुप रहा है, ऐसा लग रहा है उसको कोई ना देखे, बस वो छुप जाए। और ये रहा कैंडल वैसा मुझे मिला नहीं, उन लोगों के पास यही था तो यही ऑर्डर दे दिया था। और ये रहा हम लोगों का खाना, ये मैंने रेड वाला नूडल्स, ये बीटरूट नूडल्स है, इसमें मैदा नहीं है। ये रहा राइस, वेजिटेबल सौते वेजिटेबल एंड चिकन ब्रेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक, ये मेरा था, क्योंकि लंच करने के बाद डिनर का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 8:30 बज रहा है, तो थोड़ा लेट भी हो गया है, तो मैं पहले अपना डिनर कर लूँ। और यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। मैंने हमेशा आप लोग को एक चीज़ बोला है कि आपको चाहे वेट लॉस करना हो, ये वेट गेन करना हो, या फिर PCOD, PCOS, थायराइड, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, हेयर से रिलेटेड, अपना डाइट ना हमेशा ठीक रखो, आपके हाथ में ही है, बैलेंस डाइट लो हमेशा। मैं बाहर आई हूँ, मैं चाहती तो मैं पिज़्ज़ा वगैरह, पर मैंने छोड़ दिया है वो सारे चीज़ खाना, मैंने कब का, मेरे 5 साल हो गया है मैंने पिज़्ज़ा को हाथ नहीं लगाया है,
ताकि मेरा स्किन अच्छा रहे। और वैसे भी मेरे एक्ने वगैरह से तभी मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला, क्योंकि मैंने अपना डाइट को बैलेंस रखा। तो कहीं पे भी जाओ हेल्दी ऑप्शन ज़रूर चूज़ करो। बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, चाय तो मुझे यहाँ पे मिली नहीं, तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर दे दिया। कॉफ़ी भी ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि कॉफ़ी टेस्टी ये लोग बनाते हैं। और इन लोगों का खुद का ना बेकरी है, तो ये लोग कुकीज़ भी बहुत यम्मी सा बनाते हैं। टाइसन को ना पानी पिलाने लिए भैया आ गए थे, सो मैं कुकीज़ एंड कॉफ़ी को थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और टॉम बाबू को मैंने बोला था ना आधा घंटे एक घंटे में कम्फर्टेबल हो जाएगा, देखो कैसे कंफर्टेबल हो गया। माशाल्लाह मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। अरे रहा बर्थडे बॉय, परेशान है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, भौंक रहा है, उसको सूंघ रहा है, और ये थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है और मैं थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। हो गया भाई, मैं और नहीं खेल सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जितना सारा मैंने खाना खाया है ना, बस हजम हो गया है मेरा ऑलरेडी। एंड चलो अब बर्थडे के कट करते हैं, सो शुरू करते हैं हैप्पी बर्थडे। और इसको देखो कैसे मैं मस्का लगा रही हूँ, ताकि एक जगह पे स्टे थोड़ा सा एटलीस्ट 2 मिनट के लिए भी बैठ जाए। Happy birthday Taisu, ek ek kar। निचोड़ के मैं चॉकलेट का क्रीम निकालने में लग गई हूँ, क्योंकि कुछ भी ना बचना नहीं चाहिए, पूरा निकालूंगी, क्योंकि वही तो मेल्टेड में वही तो अच्छा लगता है ना खाने में। क्योंकि मेरा तो नियत पहले से ही खराब होके रखा था चॉकलेट केक में टाइसन का, टाइसन को भी थोड़ा सा दिया है, क्योंकि डॉग को ज़्यादा शुगर नहीं दे सकते, बस थोड़ा सा उंगली में दे के बाबू को दे दिया, क्योंकि बर्थडे बहुत तो मेन यही है, इसके नाम पे मैं ही बिल फाड़ूंगी और मैं ही खाऊंगी। वैसे भी मैंने ही ज़्यादा खाया है सब कुछ। और ये रहा मेल्टेड चॉकलेट केक। और आप लोगों को पता है गाइस, मैंने अपना बर्थडे में थोड़ा सा एक दो बाइट खाया था जब मैं कश्मीर में थी, और आज जाके मैं खा रही हूँ मीठा कुछ, तो बहुत दिन बाद खा रही हूँ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड मैं मजाक कर रही हूँ, पूरा मैं नहीं खाऊंगी, मेरे साथ जो भी कैमरा के सामने मतलब पीछे है जो शूट कर रहे हैं वो भी खाएगा, पर वो कम्फर्टेबल नहीं है तो कैमरा के सामने नहीं आता है, पर बहुत ज़्यादा यम भी लग रहा था। सो ओवरऑल आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। एंड मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और केक का हाल भी बहुत ख़राब है। तो घर जा रही हूँ, बारिश कम हो गया है, आज का दिन बहुत ज़्यादा यादगार था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टाइसन को बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय।